हाँ बबुआ कहाँ जा थे? हम देश छोड़ के जा रहे हैं। आपन देश छोड़ के कहाँ जा थे? वो इधर प्रिया के साथ जाता है, मम्मी मतलब कंपटीशन कर रही है बेग साहब से। अबे चीयर्स। बुलाई लो फोन करके, इतना ही जब बेताब हो रहे हो। तो गाइस सुबह उठाते उठाते काम पे लगाते, मतलब अच्छे से मैं उठा भी नहीं, अभी नींद में हूँ, आज नींद में हूँ, 50% नींद में हूँ, 50% उठाओ। नींद में ब्लॉगिंग कर रही है। फटाफट मेरे को उठाया, ये देखो बिस्तर उठाया, उठो 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 उठो। पता नहीं क्या है इनको, इतना काम करवाते हैं, इतना काम ये लोग, मुझ पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है गाइस। और मैं इस सच से मैं लेबरी कर लेता, मुझे कहीं थोड़े पैसे मिल जाते तो किसी को कोई जरूरत है दिवाली स्पेशल के लिए मुझे बुलाओ, मैं बिल्कुल ट्रेंड बंदा हूँ। मुझे पिछले साल मुझे इतना रगड़ा गया, इतना रगड़ा गया ना, पिछली बार मुझे इतना रगड़ा गया, इतना रगड़ा गया, इस बार मैं हीरा बन चुका हूँ। इसका मतलब ये, जब ये इतना काम करते हैं तो सोचो हम कितना करते होंगे। बात तो सही है। अच्छा ठीक है, खड़ी मत हो ऐसे, खड़ी मत हो ऐसे। ओए रुक, इसको पकड़, मैं उठाता हूं, कहां उठा रही हूं। मेन बात पता है क्या है, सर्दी के कपड़े निकालने। हाँ तो गाइस सर्दी के कपड़े निकालने हैं, क्योंकि उस दिन मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी और मौसम बहुत चेंज हो रहा है, और फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और आज अंता की तबीयत खराब है, अंता की दवाई लेने गए, तो सर्दी के कपड़े निकाल लेते हैं। ठंड बढ़ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से शायद तभी हो रहा है, तो इसलिए फटाफट से हम लोग अपने ठंडे के कपड़े निकाल लेते हैं और उसको पहनते हैं, फिर उसके बाद हम बीमारी से बचे रहेंगे। चल निकाल, बहुत अच्छी बात। मैं बात अच्छी करता हूँ, शक्ल अच्छी नहीं है, मैं बात में बहुत अच्छी करता हूँ। शक्ल भी अच्छी है। मैं अपनी बात कर रहा था, मुझे पता ही मेरी शक्ल तो अच्छी है ही नहीं, मुर्गे बने तो आप ही हो। तो गाइस ठंड बहुत ज्यादा हो गई ना, तो इसलिए अब ऐसे हमें रहना पड़ेगा, इसलिए हम ठंड तभी हम ठंड से बच पाएंगे और बीमारी से बच पाएंगे, बीमारी से हम लड़ पाएंगे और बीमारी का हम खात्मा कर पाएंगे, ऐसे ही हमको रहना पड़ेगा। तो अभी बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? तो बढ़िया लग रहा हूँ ना? नहीं, अब तो खूबसूरती में चार चांद लग गए यार। खूबसूरती क्या देखनी है, है? स्टाइल विस्टाइल क्या देखना है? पता क्या लग रहा है, जब खेती करते है ना तो खुदाई करते है, अदरक प्याज व्याज जो भी होता है, तो जो भी वो सड़ा चीज निकलता है ना, सेम वैसे लग रहे हो, सड़ा प्याज हो गया, सड़ा अदरक हो गया। तू लाए दवाई अपनी, ये लो अंत, ये पहनो मोटा पार, ये क्या चाहता है? हाँ भाई क्या चाहिए? इसको चूरे चाहिए। ना 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 ना, मुझे मेरे गर्म कपड़े चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ बीमार होना, आपका पूरा टब्बर ही बीमार हुआ पड़ा है। चूरे चाहिए, पेडिग्री चाहिए। हाँ बबुआ कहाँ जा थे? हम देश छोड़ के जा रहे। आपन देश छोड़ के कहाँ जा थे? आपका गोला छोड़ के जा रहे। ये हमारा देश है, त्योहार देश है, ये हमारा भारत देश है, यहाँ से कौन, ये त्योहार गोला भी है, ये हमार गोला भी है, ये गोला से को कौनो बाहर ना जा सकती, समझे ना? बात तो सही, शादी करके बेचारा बंदा फंस जाता है। ये हमार गोला है, ये हमार गोला में से ना हम बाहर जा सकते हैं, ना तुम बाहर जा सकते हैं, कौनो बाहर ना जा सकते। वो तो आ सकता है बाहर। मालिक ये क्या हो रहा है, मालिक मुझे कभी नहला भी दिया करो। अरे तुम लोग पागल हो गए क्या, इतनी ठंड में कौन नहाता है भाई? खुद तो नहाते नहीं हो, बोलेगा मेरे। दवा अच्छी बात, दवाई खा के क्या करना है ना, बीवी के गम पे बुखार ही चढ़ा लिया। बुलाई लो फोन करके, इतना ही जब बेताब हो रहे हो, बुखार ही चढ़ा ले रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, सिबो सिबो। उसको भी बताया नहीं होगा, देखा उसको भी बताया नहीं होगा ना, अब पता लग जाएगा, हमने बता दिया। कल का बोल रहा था 7,000 टिकट है, कल बुलाता हूँ संडे को, दिवाली के दिन। हाँ अच्छी बात है, कल आज बोलता हूँ। हाँ आंखें लाल कर रखी, ये नहीं की छुट्टी कर लूँ, इसको बोल रहा है, ये बोलेगा हाँ तो वो बोली यहाँ करा लो, उनको क्या है। स्वैगी देख क्या हो गया, छोटे मालिक को, छोटे मालिक इनको बुला लो, बोल बहुत लाल हो रखी है। वही तो कह रही हूँ, आराम कर लो, छुट्टी कर लो। बुखार तो नहीं, ये चक्कर है, बुखार बुखार कुछ नहीं, सस्ते नशे करता है ये। माम जी माम बिंग बिंग बो, तुम सस्ते नशे, तार चिपक गई छाती। तो वैसे आज प्रिया मेरी हेल्प कर रही है मेरा ब्रेकफास्ट बनाने में, और मैं तो पता है कौन किसकी हेल्प कर रहा है। हाँ, तो ये हेल्प कर रही है ना, आप ये सारा काम यही करता है। नहीं मतलब ये वाले जो डाइट है ना, ये मतलब मैं खुद ही बनाता हूँ, और ये कह रही है पीनट बटर लगा के केले रखने उसमें, तो फिर डाइट होती है। और यहाँ पर बना जल्दी से बना, ऐसे लगाते हैं, हाँ उस पर लगा के फिर बंद करना। और बाकी मैं आपको, मैंने शायद लास्ट टाइम में व्लॉग में बताया था, नहीं बताया था, आई डोंट नो, बट मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि मैं कैसे खाता हूँ, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे, आप ट्राई कर देखना। ऐसे खाते हैं, उनको पता ही नहीं कैसे खाता हूँ, बताना पड़ेगा मेरे को। ये मेरा ब्राउन ब्रेड है और ये पीनट बटर, इसमें लगाया, लगा कैसे लगाया बता रहा हूँ, लगाना तेरे को सिखाया ना मैंने, एक ब्रेड निकाल दे रहा तेरे को, इसमें लगाया पीनट बटर, और उसके बाद केले ऐसे ऐसे करके काट दिए छोटे छोटे, उनको इनके ऊपर रखा और सीधा उस मशीन में डाल दिया। केले काटना भी सिखा दो। सो गाइस मैं जिया को लेने जा रहा हूँ, और प्रिया कह रही है कि मुझे भी लेके चलो साथ में, क्योंकि उसने अपना साड़ी का ब्लाउज का कपड़ा लेने जाना है, क्योंकि कल वो सोच रही है कि साड़ी पहनने के लिए, तो अभी चलते हैं फटाफट से, और टाइम हो जा रहा है, अभी लेट कर रही है। ये आ गई, एक तो आजकल ठंड आ गई है ना, और ऊपर से मौसम इतना चेंज हो गया है, बंदे बीमार बीमार हो जा रहे हैं। पहले मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, और उसके बाद मेरी हो गई, नीरज की भी तबीयत खराब हो गई, दवाई चल रही है, अभी अंता की भी तबीयत खराब हो गई,
बर्फ पड़ने लग गई है, गर्म बहुत हो रहा है, अंदर तब भी ठंडा हो रहा है। तो चलो फटाफट से आपको कुछ गाना गाना बताऊं। कौन सा गाना? एक लड़का लड़की थी, एक चश्मा पहना हुआ था। कौन सा चश्मा पहना हुआ था? लड़का लड़की थी। हाँ। गाने का थोड़ा सा नाम तो बताओ, थोड़ा सा नाम बताओ, क्या नाम है? मुझे पता नहीं। ये अपना सामान लेने के लिए और हम लोग यहाँ एकदम मस्त चिल करते हैं, गाने सुनते हैं ना। अच्छा, जिया को साउथ के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? हार का मुंह देखते हुए लगता है मिला नहीं मिला ना? नहीं मिल रहा यार। क्यों? वही मिलेगा। ये तो तेरी पसंद पता नहीं कैसी होती है। पसंद क्या? रेड कलर मिलना चाहिए ना, ब्लाउज रेड कलर का बनाना है। अब वो जो कपड़ा है वो उसी कपड़े में लूंगी ना, वो साटन में, तो साटन में अच्छा लगता है ना, सिल्क में। अब कहाँ जाए? बस्ती। बे यार, वही मिलेगा। औरतों की शॉपिंग में ना कभी नहीं आना चाहिए बंदे को। इसके साथ तेरी सहेली कोई दोस्त होती ना, मैं कहता निकल, तुम लोग निकलो, मैं नहीं आया। परेशान कर रहे थे सच में, यहाँ चलो यहाँ चलो, ये लेना। एक तो इनको सामान्य बोलो, अच्छा है ये कि आप जहाँ भी जा रहे हो आपको लेके जा रही हूँ, नहीं तो बाद में कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, किसके साथ गई थी, इतना मैं कुछ नहीं पूछता हूँ, ठीक है? क्यों, मौका ही नहीं देती मैं पूछने का। तो ये देखो, दिवाली आई तो मार्केट में पहले पता लग जाता है, मार्केट में आने में इतना अच्छा लगता है ना, पूरी दुकान सजी होती है। और लोगों ने बाहर भी दुकान लगाई होती है, कल बारिश थी तो उसके वजह से बहुत नुकसान हुआ सबका, किसी ने नहीं लगाई थी। और आज देखो रोड रोड में ना बाहर बाहर तक दुकानें लगाई हुई है, मजा आता है देखने में। फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया ब्लाउज का कपड़ा, ये ढूंढ रही थी मैं और मिल ही नहीं रहा था, तीन चार दुकानें ढूंढने के बाद फिर मिला है मुझे, चलो मिल गया। हम लोग आए थे यहाँ सामान लेने के लिए और मुझे क्या पता इसकी चालाकी है, ये चालाकी नहीं है। ये तेरा मन बड़ा करता है कुछ भी चीज करने का है, और जो मन करता है वो भी जाता है। खुद गोलगप्पे जैसी हो रही है, फिर भी गोलगप्पे खाने हैं इसने, चाहे कुछ हो जाए। हाँ तो गोलगप्पे खाया जाता, मुझे तो कोई खाएगा नहीं, तो गोलगप्पे ही खाऊंगी। वाह 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 वाह, यहाँ पर भी हमारे सच चुके हैं। ओके तू क्यों भूत बना हुआ है, दाढ़ी दूरी करवा ले, सेटिंग करवा। तो आज छोटी दिवाली तो मम्मी पापा लोग चला रहे हैं दिए, तो आज छोटी दिवाली है तो इसलिए आज भी दिए जला रहे हैं। और अभी मम्मी पापा लोग यहाँ बैठे हैं, हम दिए जलाते हैं, उसके बाद फिर हमने जाना भी है मम्मी के साथ, जाना है इस बार कह रहा हूँ, अभी मम्मी के साथ जाना है और सारा सामान लेके जाना है, ड्रम और कल के जो हमने डेकोरेशन करनी है, कल के जो खाने पीने वाला सामान होता है वो सब लेके आना है, प्रसाद भी लेके आना है, बहुत कुछ लाना है यार। आज पूरा दिन ऐसा हो रहा है ना, मतलब आज क्या दो तीन दिन से तो ऐसे रेल बनी हुई है रेल। चलो 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 चलो, अरे वाह, ये भी लेके जा रही है। तो गाइस अभी ना मम्मी के साथ जा रहा हूँ मैं, पहले मैं कह रहा था ना कि गौतम के साथ चले जाओ मम्मी, मेरे को जिम जाना है। मम्मी कहते नहीं, अपने बीवी के साथ तो रात को 11-11 बजे तक भी जाता है, तो वो अपना सामान लेने जाता है, उसको सामान दिलाता है, लेकिन हमारे साथ नहीं जाता है। मम्मी ने ऐसा बहुत बोली तो मेरे दिल पे लगी बात, तो मैं मम्मी को अभी लेके जा रहा हूँ और पापा को भी साथ में उठा लिया मैंने, कहा चलो अब तुम जो बोलोगे ना वही लेना है। चलो आज जिम की छुट्टी कर रहा हूँ मैं, प्रिया छुट्टी नहीं करवा पाई, अमित छुट्टी, मतलब कोई भी छुट्टी नहीं करवा पाता जिम की, सिर्फ एक मम्मी है जिन्होंने मेरी जिम की छुट्टी करवा दी। तो चलो अब चलते हैं, अब देखते हैं कितना ही खर्चा करवा लेंगे, क्या ही करवा लेंगे, चलो देख जाएगा, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? बच्चा, उसको पता नहीं है। आपने मेरे को इतनी बात बोली ना, आपने मेरे को कंपेयर कर दिया ना कि बीवी और बीवी के साथ तो जाता है, तो वो क्या बोलते मेरे साथ नहीं जा रहा है, इसलिए बोला तभी तो आया ना फिर। मेरे दिल पे लगी बात, मेरे बात दिल पे लग गई है, बस बात है ना ऐसी। ठीक है ये बहुत है, चलो दो ड्रम तो ले लिए। अब किधर की मम्मी कहाँ गई? ये रही। अब क्या लेना है? कुकर ड्रम हो गया। और अब लेना है सामान। कैसा सामान? एक लेना है सब्जी सुबह के लिए। चलो बैठो, अब चलो जिम की छुट्टी करा के बहुत खुश हो रहे सब लोग। अमित का कॉल आया मेरे को, मैंने कहा मैं जिम नहीं आ रहा हूँ, कह रहा है अरे ये कैसे हो सकता है, आप लोग जिम की छुट्टी कैसे कर रहे हो आप। सो गाइस मम्मी पापा के लिए जो हमने कल दिवाली के लिए कपड़े लेने वो ले लिए, और अभी मम्मी कह रहे हैं कि कुछ हमें खिला भी दिखाना, ले बताओ ये कोई बात होती है? मम्मी कहते प्रिया के साथ जाता है, मम्मी मतलब कंपटीशन कर रही है अभी एक हिसाब से, प्रिया के साथ जाता है इतनी लेट आता है, तो वहाँ खाना वाना सब खा के आता है, घर पे आके खाता नहीं। और अभी देखो कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, पापा आया मेरे साथ, चलो साथ में हम भी खा लेते हैं। अच्छा वैसे खाते नहीं हो? खाते ही है, पापा को भी खिला देते हैं, काम पे होते बेचारे रोज तो काम पे जाते हैं, आज छुट्टी है बर्थडे है तो खा लेते हैं। देख पापा जी जो बीवियाँ होती है ना, बीवियाँ होती है ना बहुत चालाक होती है, आपको पता है?
तो ये सिर्फ बहाना है, ये बहाना है भाई, मेरी बात मानो, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस है, सिर्फ बहाना है। मम्मी का खाने का मन कर रहा था, आपका बहाना लेके कर रहे हैं। तभी तो एक दूसरे का वो होता है ना, यहाँ पर मैं अकेला पड़ चुका हूँ। कोई बात नहीं, आज तो मम्मी ने प्रिया को भी छोड़ दिया। गांव से आई थी ना, गांव में नहीं मिलता ये सब चीज़। अच्छा, इसीलिए तो मम्मी ने खाया पनीर रैप और स्प्रिंग रोल। पापा को मजबूरी में खाना पड़ा है ना, जैसे मैं खाता हूँ। ये तो बात सही है ना, सही है ना, हाँ ऐसा ही होता है भाई। तो गाइस सारा सामान ले चुके हैं और पीछे पूरा भर गया, जगह ही नहीं बनी पापा के लिए, जगह ही नहीं हो रही। देखो यार तुम लोग ना सही बात करते हो, कुछ हो करते हो कुछ हो। और इस बार ये फुलझड़ी ली है, पटाखे भी लिए हैं थोड़े बहुत मैंने, और इस बार ये फुलझड़ी ली है, बहुत खतरनाक फुलझड़ी है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया। कह रहे कि कम से कम 20 मिनट तक जलेगी, अब पता नहीं जलेगी नहीं जलेगी, सील पैक है पूरी। जलेगी तो दिखाएंगे, जल्दी तो दिखाएंगे, हाँ आपको पता लग ही जाएगा। वैसे गाड़ियाँ भी धोनी भी होती है, तुम्हारा आजकल बिजी चल रहा है इसलिए। मेरे धोने से नहीं होता, ये तेरे धोने से ही होता है, आजकल तू ही धोता है। ये लो बच्चा, तेरे ड्राम, दिस इज द मेन हमाका। इतने सारे भी लाए पटाखे, इतने सारे गए, छोटे छोटे हैं बच्चों के लिए। दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे? बैन है पटाखे, कोई बैन नहीं है। क्यों नहीं है? ये तेरे लिए फुलझड़ी, इतनी बड़ी फुलझड़ी, ये चलेगी 20 मिनट तक। अगर नहीं जली तो 20 मिनट तक वापस पक्का, सिर्फ सरिया। इतना बड़ा सामान वहीं रह गया, क्यों इतना बड़ा सामान मारा है, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इतना बड़ा सामान वहीं रह गया था, गाड़ी में छूट गया था। वही तो, ऐसे करते लापरवाह करते हैं ना, समझते नहीं, आधा सामान लिया आधा सामान मारा, गाड़ी में रुक गया था। वही मैं भी कह रहा था।